गुड आफ्टरनून सर। लगता होगा आप लोगों को, लगता होगा आप लोग हम लोग क्या पढ़े, हम लोग क्यों लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस स्किल एनहांसिंग कोर्सेस है और सड़क के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल हम दिए, या मान लीजिए स्ट्रीट लाइट कहीं लग रहा है, आप जाके केवल ये ग्रुप जाके पूछ ले दो चार मान लिए स्टूडेंट या उस मोहल्ले का कि भाई सही भी। प्लस आप अगर नीड समझते हैं अपने मोहल्ले में कि ये डस्टबिन होना चाहिए होना, तो आप कम से कम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या उसको एज ए ग्रुप इंडिविजुअल ले जाइएगा तो आपको भरा दे, क्या मतलब है इसको। लेकिन एज ए ग्रुप अगर आप जाएं और अपने नीड को बताएंगे, अपनी स्ट्रेटजी को बताएंगे, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाए। जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह में देखते हैं, कभी कभी हम लोग किसी इशू को लेके हम लोग बात करते हैं अपने कोई भी आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेंगे तो एनवायरनमेंट का एक जरूर ख्याल करें कि अगर हमने ये काम करवाया तो उसका इम्पैक्ट कुछ एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। अगर कम्युनिटी का कोई इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन है, कोई स्किल है, उसको अगर आप बढ़ाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मान लिया कोई मान लिया बुनाई का कोई मान लिया आर्ट है उस कम्युनिटी में, उसको बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे कि आजकल तो बहुत सारे स्किल करके लोगों ने और स्टार्टअप भी तैयार किया और बहुत पैसा भी लोग बना रहे हैं, बढ़ते हुए न्यूज़पेपर में। तो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, बिकम ए गुड फैसिलिटेटर्स एंड कैटलिस्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट असिस्ट एंड स्टिमुलेट कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव and challenges the practices with hinders. अभी facilitator पर हमको बहुत अच्छी बात एक नजर आई। अभी ये term हम इसलिए भी just ये चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए, but चूंकि relevant है, ये facilitator देख के हम बोल रहे हैं, ये topic में पहले हम सोच के नहीं आपको बता रहे हैं कि अभी एक एक lady आ रही है, एक music की scholar है and 73 year old scholar from US, Fulbright Philosopher Patan University में आ रही हैं और वो 9 महीने तक यहाँ रिसर्च करेंगी म्यूजिक पर, बिहार के म्यूजिक पर, ठीक है। और उनको चाहिए एक फैसिलिटेटर फॉर 5 डेज और हमने भी एक स्टूडेंट को अब फैसिलिटेट, उनको कुछ रेमोनेशन भी मिलेगा। तो अब सोचिए कितना बड़ा इंट्रैक्शन है कि एक US से कोई आ रहा है स्कॉलर, एक लेडी स्कॉलर, और उनके साथ एक फैसिलिटेटर्स के रूप में एक्ट करेगी फॉर 5 डेज ओनली, जस्ट टू कल्चर वगैरह या जो भी वो पूछेंगी, जो भी हेल्प उनको मिलेगा, बाकी हम लोग भी फैसिलिटेट करेंगे, हम लोग भी हेल्प करेंगे उनको। और सोचिए कि यू अमेरिकन एक बिहार में आता आके 9 महीने तक इंटरेक्ट करेगा और रिसर्च करेगा आपके कल्चर। तो ये अभी रिलेवेंट हो गया है, जस्ट वो 26 को आ रही है इसी महीने में इवनिंग में, और 27 से जो फैसिलिटेटर जिनको हमने अपॉइंट किया है उनके साथ वर्क करें फॉर 5 डेज और फिर म्यूजिक डिपार्टमेंट उनके साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ फैसिलिटेटर। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हेल्प इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इफेक्टिव डेवलपमेंट एक्शन प्लान बाय मैकेनिकल असेसमेंट ऑफ नीड्स एंड ऑल एंड हम डिस्कस करते हैं। एक छोटे से स्तर पर शुरू किए, गांव से शुरू की, एक मोहल्ले से शुरू की,
और मोबिलाइज करना है आपको रिसोर्स। स्टूडेंट सबसे पावरफुल ग्रुप है कम्युनिटी का, क्योंकि यंग ब्रिगेड है, वो चाहे तो किसी भी तरह के प्लान को इंप्लीमेंट करवा सकता है। इट ऑल्सो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सुपर जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे हैं। सुपर ब्रिगेड आपने मेरे घर का पुल बन रहा है, ये सड़क मेरे घर पे तो नहीं जा रही यार, कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, इससे मेरा तो नहीं, बट आप अल्टीमेटली इस्तेमाल आप ही करेंगे। सो जस्ट केवल सुपरवाइज की, और उनके सुपरवाइजर के भी कॉस्ट को अगर हम लोग वॉलंटियर करेंगे, हम लोग सुपरवाइज करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस। प्लस तो ये कहानी आके रोज टोकता है ये और जल्दी बनाइए भाई, बहुत दिक्कत हो रही है, कितना टाइम लगाइए, सड़क पूरा अब देखे डाल दिया है, कल उसको डाला है सड़क। सो दिस इज द स्पीड, और हो सकता है हमारे जैसे से और कई लोग जो वहाँ आसपास रहते होंगे वो रोज जाके उसको बोलते होंगे जो वहाँ काम करने वाला होगा दुकान, ठीक है। The involvement of people in the process development planning also act as a pressure group. देखिए वही बात हम कह रहे हैं, act as a pressure group. हम लोग यहाँ pressure बनाते हैं किसी के लिए गेट बड़ा हो जाए, pressure बनाएंगे ये सब चीज के लिए, अच्छी चीजों के लिए। एक तो ऐसी session late है और हम लोग session makeup कर रहे हैं, उसके बाद अगर pressure बनाएंगे और तो और delay होगा आपका session. Ultimately delayed session हम लोग झेल चुके हैं जब हम लोग पढ़ते थे यहाँ, तो जितना timely अगर आप पास करके निकल जाए उतना आपके लिए फायदेमंद, ठीक है। Now, benefit of community participation, देखिए एक्चुअली एक पूरा यूनिट हम पढ़ा रहे हैं आपको, यूनिट का नीचे तो सारे एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा हम फास्ट भी है। तो बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन रूरल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट, देखिए रूरल हेल्थ बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फैसिलिटी गाँव में नहीं है, ठीक है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू इंक्लूड प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट बाय इंडिविजुअल कम्युनिटी स्पेशल ग्रुप या ग्रुप बनाए, ज्यादातर हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, ज्यादातर हम लोग गांव से हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेंगे, कहां क्या है कैसे, ज्यादातर हम लोग गांव से क्वालिटी कैसा है लोगों के एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ रूरल पीपल। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब देखिए ये कहीं का हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अपने हिंदुस्तान में ही गंदगी रहती थी बहुत, मोस्टली ये गुजरात का है तो वहाँ गंदगी रहती थी और इस तरह से गंदगी रहती थी, स्पीकर बंद करना तो इस तरह से पूरा रहता था, तो कुछ लोग झाड़ना उड़ना भी शुरू किए और फिर पूरा नहीं फेंके लोग, तो लोग जाकर लोग इस तरह से कुछ नहीं करते थे अपने बॉडी पर, ठीक है। दिस इज वी कॉल कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, हम लोग को दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, जाओ सफाई करनी आए और सफाई आगे करें, ठीक है। अब आइए दूसरा टॉपिक, ये हुआ पार्टिसिपेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाउ द सेकंड टॉपिक सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है एंड इट इज क्लीन definition point of view say is both the state of being clean and free from germs and dirt. This is the general definition of cleanness. It is achieved through cleaning. Sir, बहुत सारे सुधार, बहुत सारे classically है, ऐसा नहीं है कि advance in Islam. पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एक हम लोग कहते हैं जो हमारे मुस्लिम स्टूडेंट जो होंगे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा, बिफोर फ्राइडे प्रेयर जुमा स्पेशल अटेंशन इज गिवन फॉर क्यों हम लोग फेस्टिवल में क्लीन करते, देखिए हमारे फेस्टिवल को क्लीन पूरे साल अगर कोई क्लीन अपना घर नहीं करता है तो कम से कम उसको लिंक कर दो कि फेस्टिवल से, कि फेस्टिवल में अगर आप क्लीन करेंगे तो आपको आपके प्रेयर को ज्यादा लोग मानेंगे। तो हिंदुइज्म में तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी उसी के घर में आती है जिसका घर साफ होता है, ठीक है। तो सफाई लोग नहीं करते होंगे उसको लिंक कर दिया रिलीजन से कि जिससे कि रिलीजन के बेसिस पर लोग साफ सफाई करें, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग हम लोग करें।
तो ईद और बकरी दोनों में लोग सब चीज़ को ज्यादा समझते हैं. बॉडी को क्लीननेस इज ए इम्पोर्टेंट वर्च्यू एंड द भगवद गीता डिस्क्राइब इट एज वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटी विच वन मस्ट प्रैक्टिस. संस्कृत वर्ड है क्लीननेस इज उत्तम. ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी विच वन मस्ट एक्वायर टू ऑब्टेन द ग्रेस ऑफ गॉड. अब कितना बड़ा लाइन है. उसमें आने के बाद वो अपना नंबर बढ़ाता है. आउटसाइड होस्ट वायरस इज नॉन हम लोग कहेंगे जैसे हम लोग मानते हैं लिविंग नॉन लिविंग. तो वायरस फॉल अंडर नॉन लिविंग कैटेगरी आउटसाइड होस्ट. बट व्हेन इट एंटर इनसाइड द बॉडी इट मल्टीप्लाई. और ये पावरफुल ग्रुप है. होस्ट वीकेस्ट इंडिविजुअल इन द डायट मॉलिक्यूल. और वायरस जो कि इंफेक्शस है. वायरस जो कि दिखाई नहीं देता. सर आवाज अरे जोर से बोलिए. अरे जोर से बोलिए. पूरे को कोलैप्स कर. वायरस किसी से नहीं. वायरस किसी से नहीं. बैक्टीरिया भी है. जिसकी कमजोर हो जाती है इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है उस पर फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है. तो कुछ कुछ इन्फेक्शन में आई इन्फेक्शन में अदर पार्ट ऑफ इन्फेक्शन में तो फंगस उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत डेंजरस नहीं है. तो बहुत डेंजरस नहीं होता नहीं. पर जल्दी से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फंगाई आर आल्सो वेरी ठीक है. तो दिस इज द बेसिक. तो दिस इज द बेसिक नॉर्मल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज. जैसे हार्ट डिजीज और कोई ब्रेन डिजीज. और ब्रेन डिजीज एंड इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इन्फेक्शन एक एक कलर देना जरूरी है. एक क्रिमिनल होना जरूरी है. एंड क्रिमिनल आर माइक्रोस. अब तो कंट्रोल हम लोग पास आ गया है. बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में हम लोग पास एंटीबायोटिक्स है. बट एसेंशियली वो इंफेक्शियस डिजीज वेयर बाय फार द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डेथ होता तो वो होता था इंफेक्शियस डिजीज. और अभी तो कोरोना भी बहुत ज्यादा डेथ करवा दिया. ठीक है. ये कभी कभी ऐसा हो रहा था. अप्रोक्सीमेटली 70% डाइड बिफोर द एज ऑफ 25. उस जमाने में 100 साल पहले 70% लोग 25 साल पूरा होने के पहले मर जाते. तो रिजल्ट मालूम था कि उनको मरना है अंत में. और 20 के पीरियड में किसी हीरो को माना जाता था तो बीमारी कर दिया जाता था. कौन? कैंसर. मतलब कैंसर का भी इलाज हो गया. और अब अगर कोई फिल्म बनेगी और दोनों में से किसी एक को मानना होगा तो कौन सा बीमारी फैलाना होगा? एड्स. क्योंकि अभी तक उसका इलाज नहीं. तो डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके की फिल्म बनाया लोगों. खैर तो 70% डाइट बिफोर द एज ऑफ 25 एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डेथ अकर्ड मोर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. एंड द इमर्जेंस ऑफ द सैनिटरी आइडिया उसी समय आया. 1800 आवाज बहुत कम आ रहा है सर. दिस इज ऑफ इंफेक्शन डिजीज डिक्लाइन प्रोग्रेस. 1800 ईस्वी के बाद लोग इस पर ध्यान देना शुरू किए और देखे कि डिजीज इंफेक्शन डिजीज इज डायरेक्टली लिंक टू मतलब सैनिटेशन द क्लीननेस. और तब धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ. और फिर उसी पीरियड में एंटीबायोटिक्स वगैरह की डिस्कवरी हुई. तो धीरे धीरे रेट ऑफ डेथ जो है वो इंफेक्शन डिजीज से कम हुआ. वायरस को छूट दी क्योंकि वायरस के ऊपर असर नहीं होता है दवा. मतलब इस तरह की कोई मेडिसिन जो है आपको एंटीबायोटिक ड्रग्स कुछ है बट नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो एंटीबैक्टीरियल है उसका असर नहीं होता. ये देखिए टेबल है. इसमें है तो 2003 का WHO का. बट जस्ट हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा डेथ 12.66% उस समय हार्ट डिजीज. मलेरिया 3.2 2.7 2.2
रोड एक्सीडेंट भी एक डेथ का कारण है बहुत, तो 2.1%। फिर लास्ट में देखिएगा बीच में जो भी है, स्टमक कैंसर, कैंसर वगैरह है और नेफ्राइटिस, सर आवाज आवाज आ रही है, आ रही है। फिर लास्ट में मीजल्स आया और वो था 1.1%। तो आप देखेंगे कि लीडिंग डेथ ओवरऑल अगर सारा डिजीज को मिला ले तो हार्ट डिजीज से भी ज्यादा डेथ है, 6.8, 4.9, 3.2, 2.7 वगैरह जोड़ लें तो हार्ट डिजीज से भी ज्यादा डेथ हो। ठीक है, तो ये डेटा है, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं। नाउ हमारा ये पब्लिक हेल्थ, सब छोटे छोटे टॉपिक आपके, पब्लिक हेल्थ मेजर क्या है भाई? पब्लिक हेल्थ मेजर है अकाउंटेड फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रिडक्शन इन डेथ। देखिए उसी से लिंक है, इन्फेक्शियस डिजीज से डेथ को बचाने के लिए भी काम करता है, दैट फॉल अंडर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? बेटर सैनिटेशन, क्लीनर वाटर एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। जो कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन आया, नॉर्मल हम लोग पढ़ाते भी हैं, बायोलॉजी के हम लोग टीचर हैं और वैक्सीन पढ़ाते भी हैं, और हम हमारे स्टूडेंट को हम अभी बताते हैं कि कोई वैक्सीन डेवलप करने में कम से कम 10 साल लगता है प्रॉपर, मतलब राइट फ्रॉम रिसर्च टू पब्लिक 7 to 8 to 10 years। आपके साइंटिस्ट ने आपको 1.5 to 2 साल के अंदर वैक्सीन ला के दे दी, जितना ट्रायल होना चाहिए उतना ट्रायल हुआ भी नहीं, बट अर्जेंसी थी और इसलिए लाया गया है कि अगर वैक्सीन आना जल्दी, बहुत मेहनत किया साइंटिस्ट लोग, अगर नहीं मेहनत करता तो डेथ का जो अभी देख रहे हैं आप नंबर वर्ल्ड वाइड बहुत जरूरी है, और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन आपके हाथ में नहीं है अभी, तो साइंटिस्ट के हाथ में, बट ये सब आता है अंदर पब्लिक है। A key to this success has been increasingly refined understanding of mechanism of which infectious agents are transmitted. अब उसको जानने के लिए नेक्स्ट कोशिश की कि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो, नॉट ओनली एच आई वी, हेपेटाइटिस बी ऑल्सो, हेपेटाइटिस सी ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। बहुत सारे हैं जो कि इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, मॉस्किटो जैसे डेंगू, डेंगू भी वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट था, डेथ बहुत होते थे डेंगू से। ठीक है, तो वो सब होता है इंसेक्ट वगैरह ट्रांसमिटेड, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हाउ इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल टू ट्रांसमिशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सिंपल इफेक्टिव मेजर दैट विल प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, मोर वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर रिडक्शन इन द प्रीमैच्योर डेथ पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग वर्ल्ड। हम लोग के यहाँ डेवलपिंग वर्ल्ड के कैटेगरी में आते हैं, ज्यादा डेथ होता है इन्फेक्शन, और उसके पीछे रीजन है कि हम लोग का हाइजीन प्रॉब्लम, हम लोग क्लीन नहीं रहते, हम लोग गंदगी सड़क पर फेंकते हैं, हाउस होल्ड में क्लीनिंग भी उतनी होती है, घर की गंदगी सड़क पर फेंकते, ये भी नहीं जानते हैं उसी से बगल हो के हम लोग गुजरे, लोग यही समझते घर की गंदगी तो फेंक दी अब दूसरा जाने, बट आप भी उसी से गुजरिए, जिसने गड्ढा बनाया वही गड्ढे में कूदेगा गिरेगा। ये अप्रोच हम लोग में मेंटली, हम ही लोग अगर बाहर जाते हैं दूसरे कंट्री में जाते हैं, हमने खुद देखा तो वही आदमी थे, आदमी तो हम वही थे, नाम भी मेरा वही था, स्किन एंड इवन ह्यूमन बाइट्स, आदमी आदमी को भी चलते भी वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत तेजी से फैलते हैं। रेनफॉल हमने बताया कोरोना के बारे में, उस पर भी काम लोग कर रहे हैं, वाटर बॉर्न पर तो रिपोर्टेड है ऑलरेडी कि क्लाइमेट चेंज के चलते वाटर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा फैलता है। ठीक है, बट कोरोना पर भी लोग काम कर रहे हैं। रेनफॉल ट्रांसपोर्ट एंड डिसिमिनेट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, फ्लडिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरफ्लो वाटर, जो अभी हम बता रहे हैं सीवेज का वाटर नल पानी ऊपर में सड़क पर तैरने लगा, सी लेवल राइज, कभी कभी समुद्र का पानी ऊपर सड़क पर आ जाता है, समुद्र के किनारे जो सिटी वगैरह हैं, हाई टेम्परेचर, इस पर भी लोगों ने काफी काम किया कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है इंक्रीज ग्रोथ एंड प्रोलॉन्ग सर्वाइवल रेट ऑफ इन्फेक्शन। ये मत समझिए कि गर्मी, लोग कहते थे गर्मी में कोरोना खत्म हो जाए, वो सब कुछ नहीं होता है, हायर टेम्परेचर ऑलवेज प्रमोट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि माइक्रोब्स को मारने के लिए फिर चाहिए 100 डिग्री टेम्परेचर, तो आपका 100 डिग्री टेम्परेचर तो हो नहीं रहा है, 40, 42, 43, उस पर कुछ नहीं उसका असर होता है, सो इट इंक्रीज, इट प्रमोट द डिजीज। Drought, even drought also increase the concentration of pathogens, impaired hygiene. So even high, मतलब water level flooding जिसको कहते हैं, वो promote करता है, and even drought also promote
infectious diseases. Water related illness already इसको explain कर चुके हैं. Water sanitation hygiene have important impact on both health and diseases. ठीक है, किसके चलते होता है हम share कर देंगे बाद में आपको. There are five classes of diseases causing agent that can found in water. Parasite इसमें Giardia, ये सब protozoa में आता है. Bacteria, cholera, Shigella, E. coli, viruses, Norovirus, virus, hepatitis A. कुछ chemical contaminants भी हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सब भी कॉज करते हैं डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज. ठीक है, एक बड़ा यूनिक है एल्गी, जिसको हम लोग मानते हैं कि बहुत सेफ है. एल्गी जो ग्रीन कलर का देखते हैं आप, वाटर बॉडीज वगैरह में ग्रो करता है, एल्गल ब्लूम होता है इसको कहते हैं. और ये देखा गया कि इससे भी डेथ हुआ लोगों का. एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, जो कि ब्रेन को डैमेज करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को जो डैमेज करता है, और इसके चलते काफी लोग का डेथ हुआ यूएस में 2014 में. ठीक है, तो इवन एल्गी जिसको हम लोग सेफेस्ट मानते हैं और जिसको हम लोग इनोसेंट मानते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज डेथ. ठीक है, आर्सेनिक वगैरह का तो नाम सुने ही होंगे, मतलब मैन मेड पोल्यूशन है और इसके चलते भी काफी डेथ हो रहा है. So these are chemical contaminants. So microbes के अलावा दूसरे अभी भी लोग आ रहे हैं, एडमिट कर दे रहे हैं. नहीं, ठीक, आवाज के लिए. Now another is fecal to oral transmission. ठीक है, fecal to oral transmission जो हमने एक बताया आपको, गुपचुप वगैरह ये सब जो खाते हैं हम लोग, क्या क्या सब सब कहते हैं उसको, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर जो बेचने वाला है वो प्रॉपर अगर हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया, उसका हाथ गंदा है, उसके नेल्स बढ़े हुए हैं और उसमें फिकल कंटेमिनेशन है, तो बड़ा आसानी से वो मूव कर जाता है. इट कैन अकर व्हेन बैक्टीरिया और वायरस इन द स्टूल ऑफ वन पर्सन आर सेलोड बाय अनदर. दिस कैन अकर व्हेनेवर देयर इज ए इनएडिक्वेट सैनिटेशन. ठीक है, इनएडिक्वेट प्रोसीजर ऑफ डे केयर सेटिंग वेयर फिकल ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली फाउंड इन द सरफेस ऑफ हैंड ऑफ प्रोवाइडर्स. स्विमिंग पूल वगैरह में बड़ा कॉमन देखा गया है. ठीक है, फूड हैंडलर वही हमने अभी जो बताया जिसके बारे में पहले उसी को बोल दी, क्योंकि हम कॉमन साइट है, पटना में भी बहुत खाते हैं, आनंद से खाते हैं, सड़क के किनारे जो बिकता है, भीड़ लगी रहती है और खासकर गर्ल्स स्टूडेंट तो हमारे बहुत खाते हैं. मोबाइल के बारे में सुनिए, मोबाइल तो आगे भी बताएंगे, वेरी गुड सोर्स ऑफ पेस्ट. कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर बैक्टीरिया ग्रो करता है तो मोबाइल, हम लोगों ने टेस्ट करके भी देखा, तरह तरह से इसको छूते हैं, सब चीज छू के फिर मोबाइल छूते हैं, मोबाइल को प्रॉपर क्लीन नहीं करते. इवन एक जगह तो कहीं लिखा हुआ है कि टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया मोबाइल में होता है, क्योंकि आजकल के लिए हम लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है. ठीक है, कैसे ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. प्रिवेंशन कैसे करेंगे, फिकल ओरल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे. प्रैक्टिस सेफ फूड हैंडलिंग, प्रैक्टिस क्लीन हैंड फ्रीक्वेंटली, सफाई कीजिए, स्पेशली अबाउट टॉयलेटिंग एंड डायपरिंग बिफोर ईटिंग. टीच चिल्ड्रन नॉट टू सेलो पूल वाटर. डे केयर हम पढ़ नहीं रहे. प्रमोट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फिकल मैटर. फॉलो प्रॉपर सैनिटरी प्रोसीजर फॉर रिक्रिएशनल वाटर. स्विमिंग पूल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलती से भी पानी मुंह में नहीं जाए, ये सब चीज का ध्यान रखिए. ये कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज का सबसे बड़ा फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कॉलरा. नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान में भी डिजीज बहुत फैला था. देखिए यहाँ बगल में जो मैप है उसमें देखिएगा येलो कलर का, ये पूरा हिंदुस्तान में अभी भी होता है कॉलरा, ऐसा नहीं खत्म नहीं हुआ है, बट अब चूंकि एंटीबायोटिक हमारे पास है इसलिए कॉलरा का ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं तो पहले डेथ इसमें ही होता है. फाउंड इन वाटर और फूड सोर्सेज कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर, ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड वाटर, प्रिवेलेंस इंक्रीज इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल अमाउंट. ठीक है, सिम्टम क्या है कॉलरा का, सिम्टम भी जरा देख लीजिएगा, कुछ का पढ़ लीजिएगा जरूर. ऑफन माइल्ड और विदाउट सिम्टम, कोई खास सिम्टम नहीं आता है. माइल्ड अगर इन्फेक्शन है, अगर हल्का फुल्का एंट्री हुई माइक्रोब्स की. सीवियर सिम्टम में है डायरिया, वोमिटिंग, लेग क्रैम्प और डिहाइड्रेशन होता है. पहले पानी उनी लोग चढ़ाते थे, लोग कहते कॉलरा हो गया, शॉक एंड इवन डेथ अगर आपने प्रॉपर वाटर रिहाइड्रेट नहीं किया. इसके बारे में भी जरा पढ़िए, ऐसे हिंदुस्तान में नहीं है. नेग्लिडिया फ्लोरी कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा. अब देखिए ये प्रोटोजोआ में आता है और ये दिमाग खा जाता है. खैर फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में भी नहीं है, बट अभी हिंदुस्तान में एक नया डिजीज फिर देख रहे हैं, स्प्रेड कर रहा है, अब मंकी पॉक्स करते हैं उसको. आज भी हम न्यूज़पेपर में देखें पूरा हाथ एकदम मंकी के हाथ जैसा हो जाता है,
ये भी एक नया एक डिजीज आ गया है हिंदुस्तान में, मंकी पॉक्स, ठीक है। कॉज देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज से हम लोग बच नहीं सकते, इसलिए हम लोग को क्लीनिंग प्रॉपर हाइजीन यूज करना है। हर एक दो चार महीने, दस महीने के बाद एक नया डिजीज आपको सुनने में आएगा। कॉजेज एन इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर एंड सॉइल ट्रांसमिटेड व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर। हम ये बताने इसको इसलिए चाहें कि देखिए इतने डेंजरस डेंजरस ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इसलिए प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल करें, यही आपको बचा सकता है। इसके बारे में भी थोड़ा सिम्टम जान लीजिए, अभी है नहीं हिंदुस्तान में। हेडेक, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया, उल्टी की टेंडेंसी, कंफ्यूजन, लैक ऑफ अटेंशन, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है ये, लॉस ऑफ बैलेंस, सीजर, नशा में लगेगा कि नशा में है, अल्टीमेट है जब पूरा का पूरा ब्रेन खा गया तो डेथ हो गया। नाउ प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, इंप्रूव क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एट द टैप और द स्टोरेज वेसल, फिल्टर वाटर वगैरह यूज कीजिए, इंटरप्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन, क्लोरिनेशन कीजिए, क्लोरिन डालिए। ये देखिए रेड से हमने मार्क किया है, चेंज हाइजीन बिहेवियर, एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग प्रॉपर कीजिए, टेक केयर इन डिस्पोजिंग वेस्ट एंड ह्यूमन एंड एनिमल फीकल मैटर, प्रॉपर यूज ऑफ लैटरिंस बाय एडल्ट एंड चिल्ड्रन, प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, गुड फूड हाइजीन। मक्खी नहीं बैठा हुआ खाना खाइए, आप तो देख नहीं रहे, मॉनिटर तो कर नहीं रहे कौन बैठा नहीं, इसलिए खुले में रखा हुआ खाना अवॉइड कीजिए। नाउ द सेकेंड इज वेक्टर बॉर्न, देखिए मॉस्किटो कितना खूबसूरत लग रहा है फोटोग्राफ, पूरा का पूरा इसका बैक साइड में देखिए ब्लड भरा हुआ है, हम लोग खून चूस लिया हम लोग का। और अगर आप इन्फेक्टेड है, मलेरिया है आपको, और यही मच्छर अगर किसी दूसरे को काटा तो फिर उसमें वो इंजेक्ट कर दिया और मलेरिया उसमें हुआ, तो इसको कहते हैं वेक्टर। हियर द इंसेक्ट एक्ट एज ए वेक्टर, मोड वैकिल का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। इसमें क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्मर टेम्परेचर में होता है, स्वेटिंग वगैरह जब बहुत होती है, प्रेसिपिटेशन बढ़ता है वाटर में, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उस समय भी देखा गया कि ये बहुत ही देखिएगा, थोड़ा ह्यूमिडिटी थोड़ा सेप्टेम्बर में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है इन्फेक्शस की, क्योंकि उस समय टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहता है और बारिश उरिश होती है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी रहता है, मच्छर भी उसी समय सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि उसके लिए भी ब्रीडिंग पीरियड वही है। मलेरिया के बारे में थोड़ा सा, मॉस्किटो ट्रांसमिशन बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, 219 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड रिजल्टिंग द डेथ ऑफ एप्रोक्सिमेटली 6,60,000, ये अंडर एस्टिमेट है, पुराना रिपोर्ट है, बट यहाँ भी देखिएगा हिंदुस्तान में पूरा रेड किया हुआ है, मलेरिया ट्रांसमिशन हुआ सालों भर मलेरिया होते रहता है, ठीक है। सिम्टम फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर सिम्टम एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, फीवर डेथ होता है मलेरिया से, लो ब्लड प्रेशर, एक्यूट किडनी फेलियर, हम लोग बहुत माइंड मानते हैं लेकिन हम कई लोगों को जानते हैं जिनको मलेरिया से डेथ हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड अल्टीमेटली डेथ अगर ट्रीटमेंट आपने नहीं। एक और ये बड़ा फेमस बीमारी है, कॉमन है, हिंदुस्तान में भी आ गया है, दिल्ली में पहले था, पटना में भी बहुत होता है, एक खास पीरियड आ रहा है अभी सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम में, और जरा सा इस मॉस्किटो को देखिए, देखने में खूबसूरत लगता है इंसेक्ट को, इसको कहते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आता है इसमें, एशियन टाइगर मॉस्किटो, देखने में टाइगर जैसा, इसको पैचेज रहते हैं बॉडी पर, एशियन टाइगर मॉस्किटो, ट्रांसमिशन बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, मोर देन 100 मिलियन केसेज ऑफ डेंगू वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, और एक बार जब फैलने लगता है तो सबको, जिसको भी इन्फेक्टेड मच्छर ने काटा, घर में अगर एक आदमी को हुआ तो दूसरे को भी हो जाएगा, तो मच्छरदानी वगैरह का भी इस्तेमाल कीजिए। सिम्टम क्या है, ज्वाइंट पेन, इसमें पेन बहुत होता है, ज्वाइंट पेन होता है, बॉडी पर रैसेज निकलेंगे, सीवियर हेडेक, सीवियर पेन बिहाइंड द आई, मसल एंड बोन पेन, माइल्ड ब्लीडिंग। देखिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपका जनरल नॉलेज के लिए भी, ये AACC भूल जाइए, ये जनरल नॉलेज सबको जानना चाहिए, परसिस्टेंट वोमिटिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पॉसिबल आउटकम इफ नॉट ट्रीटेड दिस विल लीड टू फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड शॉक एंड इवेंचुअली डेथ। बड़े बड़े कॉमन वैकिल स्प्रेड में, वैकिल स्प्रेड अब ओवरऑल हम इसको कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द टर्म कॉमन वैकिल स्प्रेड इज डिफाइंड इन सेवरल डिफरेंट वे बाय डिफरेंट ऑथर्स, वी विल यूज द एक्सप्रेशन टू रेफर द ट्रांसमिशन डिजीज बाय फूड, वाटर, ड्रग, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये सब वैकिल या वैक्टर बेस्ड हम लोग कर सकते हैं, वैक्टर तो नहीं कहेंगे, वैक्टर पर्टिकुलरली हम लोग यूज करते हैं फॉर इंसेक्ट वैक्टर, बट ये वैकिल
अब इसमें कुछ आता है जैसे नीडल इंजेक्शन, ऑक्यूपेशनल शार्प एक्सपोजर। जनरली ये बहुत सारे सुनते हो कि हॉस्पिटल में गए थे आप ट्रीटमेंट के लिए और वहां HIV लेके चले, क्योंकि जो मेडिकल जैसे नीडल वगैरह का इस्तेमाल नर्सेज वगैरह ने किया उसमें इन्फेक्शन था। आप छोटी बीमारी के लिए गए, बड़ा बीमारी लेके चले। सो देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू हेल्थ केयर वर्कर इन ए क्लिनिकल सेटिंग। इन दिस सेक्शन पता नहीं चल पाता है लोग। In this section, it focuses primarily on the occupational sharp injury, direct contact to infectious agent including HIV, hepatitis, or sab khatarnak ismein, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Other pathogen may enter, but aap uska treatment kar lenge, lekin ye sab ka treatment proper nahi. Wo bhi use kare, wo gloves pahne, goggles pahne, vagera vagera, ye sab. Theek hai? केयरफुल हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि शार्प अगर एज का इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का तो हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो एक बार जब भी आप जाए तो इंजेक्शन ठीक से दें ना भाई, प्रॉपर है ना। अब तो खैर नया डिस्पोजेबल यूज करते हैं लोग नीडल वगैरह, नहीं तो पहले उसी को भी यूज करते थे नीडल। अब ये ओवरऑल है जैसे इनडायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हम पूरा रीड नहीं कर रहे हैं। फोमाइट्स अभी बताया हमने कि नॉब में लग गया, लिप के बटन में लग गया, ठीक है। फोन, राइटिंग इंप्लीमेंट, कीबोर्ड, टॉयज, डे केयर सेंटर, इवन स्टेथोस्कोप कैन सर्व एज ए फोमाइट। अगर स्टेथोस्कोप से आपको टेस्ट किया उसमें लग गया या किसी दूसरे का लगा होगा, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स अलग अलग साइज के होते हैं। एक रिसर्च अभी कोरोना में भी आया था कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स पार्टिसिपेट फ्रॉम वन पर्सन और देखा गया कि कोरोना का इन्फेस्टेशन हॉस्पिटल के एटमोस्फेयर में बहुत होता है। मतलब जहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोरोना होगा, जैसे वहां बहुत सारे पेशेंट घूम रहे होंगे, बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने गए होंगे, तो वहां तो जरूर जब भी हॉस्पिटल वगैरह में अगर विजिट आप करें तो वहां तो जरूर मास्क वगैरह का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, एयर टू एयर ट्रांसमिशन होता है ट्यूबरक्लोसिस का भी, और कॉमन कोल्ड है जैसे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सब कॉज करता है ड्रॉपलेट्स। तो इसको इनडायरेक्ट कहेंगे, मतलब वो पर्सन वहां मौजूद नहीं है बट इन्फेक्टेड एजेंट मौजूद है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर डिटेल नहीं जा रहे हैं। स्नीजिंग, छींक दिया आपने, और ट्यूबरक्लोसिस बहुत तेजी से फैलता है, लंग्स इन्फेक्शन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्यूबरक्लोसिस में कि ये जल्दी ठीक नहीं होता, काफी समय से। पहले तो होता था तो डेथ ही था, एंड रिजल्ट डेथ, बट अब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है बट लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जूडोज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे पेट डॉग या और भी किसी तरह का दूसरा एनिमल, मंकी वगैरह, यहाँ तो बिल्ली नहीं रखते हैं बट वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्ली को भी पालते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ सीरियस डिजीजेज होते हैं जिसमें कि सबसे कॉमन डिजीज है रेबीज, और रेबीज का भी एंड रिजल्ट मालूम है। अगर किसी को रेबीज हो गया तो बचना मुश्किल हो गया, अगर हो गया तो जैसे ही डॉग बाइट होता है तो हम लोग तुरंत इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज ए वायरल डिजीज और वायरस का इलाज नहीं। रेबीज एक प्लेग बीसी में आता है, लाइमी डिजीज भी आता है, एंड वेस्ट नाइल वायरस बर्ड से होता है। अब जैसे इसमें कोरोना भी ऐड हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों ने कहा बैट से होता है, बैट। चाइना वगैरह में लोग एनिमल बहुत ज्यादा खाते थे, सब तरह के जानवर खाते हैं, और उसी में लोगों को शक हुआ है कि बैट वगैरह भी लोग खाते थे और उसी से आदमी में आया और फिर तेजी से फैलना शुरू हुआ। ओरिजिन चाइना, इसका रिपोर्टेड। इबोला का नाम सुने होंगे, ये भी बीच बीच में बहुत परेशान करता है। बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका से आया। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वायरस, एंड ये भी लोगों ने बताया प्राइमेट से होता है, हिरन से होता है, और भी दूसरे रोडेंट्स वगैरह, चूहा वगैरह से होता है, ठीक है। और वहाँ भी चूंकि इस तरह के जानवरों का भी लोग मीट खाते हैं तो उससे ही ये फैला इबोला वायरस, ठीक है। तो ये भी बड़ा खतरनाक है, बीचीज में आता है इसका अटैक। देखिए इबोला पर थोड़ा डिटेल है, आप शेयर करेंगे पढ़ लीजिएगा। इसमें भी साइंस सीवियर फीवर है, सोर थ्रोट है, सीवियर हेडेक, मसल पेन, इंटेंस वीकनेस, वोमिटिंग, डायरिया, लीवर एंड किडनी फेलियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग तक होता है।
और डेथ भी इसमें रिपोर्टेड है इबोला वायरस। और यहाँ नीचे डायग्राम बना हुआ है, देखिए बैट भी है। देखिए इबोला का जो मोड है वही शक है लोगों को कोरोना पर। तो यहाँ देखिए बैट है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, स्रीव है, एक तरह का माइस है, डुकनर है, यहाँ ये जानवर नहीं मिलता है। और इसी ये चांसेस अफ्रीकन कंट्री वगैरह में इसका ट्रांसमिशन है। बट चूंकि मूवमेंट होता है ह्यूमन बींग का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो चांसेस है कि कहीं भी फैल सकता है। अब ये एक चीज जो दिखा रहे हैं जो कि कोरोना के लिए भी रिलीवेंट है, इन्फेक्शस एजेंट इन एनिमल। तो बहुत सारे एजेंट जो है वो एनिमल में लोकलाइज है। और ये एक एग्जांपल देखा गया डिस्टेम्पर वायरस, डिस्टेम्पर जो पेंटिंग में उसी से नाम पड़ा डिस्टेम्पर वायरस। ये जनरली कैट और डॉग में होता है और इट इज कन्फाइंड टू कैट एंड डॉग, जैसे कोरोना के बारे में इट इज कन्फाइंड टू ओनली बैट्स। बट जब ये घूमते घूमते वहां रहते रहते उब गया होगा, मतलब हम जैसे बता रहे हैं मजाक में, सोचा होगा कि जरा सा जरा घूमने चला जाए गांधी मैदान, गांधी मैदान मतलब आदमी, हम बहुत दिन रह गए साइंस कॉलेज के एरिया, तो चलो जरा गांधी मैदान घूम आए, वहां सिनेमा हॉल जरा है देखे जरा सा। ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है व्हेन ए पर्टिकुलर एजेंट दैट इज लोकलाइज्ड टू ए पर्टिकुलर एनिमल, व्हेन इट लीव दैट होस्ट एंड एंटर इन अनदर होस्ट, जब दूसरे जगह पहुंचा हो, अब गांधी मैदान पहुंच के बदमाश बन गया, ठीक है, और वहां बदमाशी करना शुरू किया। जब ह्यूमन में आया तब वहां पर वो अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया। एंड दिस इज ए वेरी सीरियस सिचुएशन। और ये मूवमेंट हमेशा होगा, जब तक आदमी है तब तक होगा। इसलिए इन्फेक्शस डिजीज से हम लोग बच नहीं सकते, जितना आपको प्रिकॉशन लेना है लीजिए, आप बच नहीं सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रिकॉशन ले, नहीं तो आज कोरोना है कल दूसरा कोई वायरस आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, और ये बीच बीच में आते रहे, जैसे 70 साल 80 साल के पहले स्पेनिश फ्लू आया था, ठीक है। अब टॉपिक खत्म। अब आ जाइए जरा सा क्वेश्चन के बारे में कुछ हम लोग बात करें। नो टाइम हो, देखिए हमने जो बताया अभी शुरू में जो स्टार्ट किए थे, जो CIA बताया गया होगा आपके हर एक के डिपार्टमेंट में बताया गया, लेकिन आपके लिए फिर से एक बार हम बता दें कि CIA कंपोनेंट नॉर्मली 70-30 का होता है, बट अभी जो इसका CIA है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, इसमें 1 मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट होगा 10 नंबर का, सेमिनार क्विज 10 नंबर का, असाइनमेंट एक आपको बनाइए, कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठा के असाइनमेंट बनाइए, और इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सफाई उफाई इसमें है, कुछ कुछ है ना स्वच्छ भारत अभियान, तो अपने डिपार्टमेंट की सफाई कीजिए, कुछ और कीजिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कीजिए, उसका एक रिपोर्ट बनाइए, उस पर 15 नंबर, तो 30 नंबर तो एकदम फ्री का है। सेमिनार क्विज भी कोई खास बड़ी चीज नहीं है, एक टेस्ट है 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 50 नंबर का CIA और 50 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% इन ईच, दोनों में 45-45% नंबर लगा, ठीक है। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ AEC। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, अब आपको कुछ लिख देना है, ठीक है, आंसर है उसका। एक क्वेश्चन है, देखिए नेम 3 क्लाइमेटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल रेट एंड रेंज ऑफ वेक्टर, ये हम बता चुके हैं। नेम 3 क्लाइमेटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल रेट एंड रेंज ऑफ वेक्टर, नाम केवल लिख देना है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वेक्टर बॉर्न डिजीज इज ट्रांसमिटेड वाया एशियन टाइगर मॉस्किटो, बताइए तो कोई आंसर कीजिए, एशियन टाइगर मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा चॉइस करेक्ट है। आवाज आ रही है मेरी, करेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, देखिए आंसर दे दिया आपको डेंगू फीवर। अब आइए, डिस्क्राइब 5 ways दैट द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, अभी बता रहे थे, पांचों बता देना है, अवॉइड एरिया विद डिजीज आउटब्रेक, बी अवेयर ऑफ पीक एक्सपोजर टाइम, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं, वेयर लॉन्ग स्लीव एंड पैंट, चेक फॉर टिक्स, बैड नेट्स वगैरह वगैरह। कौन सा बताइए, सी होगा, सी, हाँ सी, ठीक है,
Negleria flori. Of question 5, describe 5 ways that the spread of waterborne disease can be prevented. Common है इसमें जितना आता है आप 5 है, हम 6, 7, 8 डाल दें, ठीक है. ग्रीन क्लीनिंग, क्लीन क्लीनिंग टू प्रोटेक्ट हेल्थ विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट. अब क्लीनिंग में ठीक है, बस कुछ पूछना हो तो पूछिए और नहीं तो एंड करेंगे. सर हम लोग का नोट्स वगैरह कैसे मिलेगा सर? हाँ भेज देंगे, शेयर करेंगे आपके कोऑर्डिनेटर साहब को और वो आपको ग्रुप में कहीं या कहीं आप लोग का बनाए हो उसमें ट्रांसफर कर देंगे. ठीक सर, कितने लोग शामिल हुए? सर अभी जो बनाया है सर, इसका नोट्स आज का क्लास का सर, इसका मैसेज सर डायरेक्ट कर. सर तो सर समझ पा रहे हैं लेकिन सर जैसे क्लास ओवर हो गया सर.